पर्टिकुलरली कुछ चैनल्स जो हैं दे हैव बीन नोन टू पेडल मिस इन्फॉर्मेशन, आफ्टर टाइम्स नाउ हो गया उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस रह चुकी हैं। फिर आई गेस वायन न्यूज़ है जिन्होंने काफ़ी दफ़ा जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। तो वी जस्ट नीड टू बी केयरफुल इन द वे दैट वी कंज्यूम आवर मीडिया। ये जो खबरें आ रही हैं कि स्कर्दू बिल्कुल जैम हो गया है और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को बंद कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। और इसी के साथ साथ जो नारेबाजी की वीडियोस थी जिस तरह आयशा ने मेंशन किया फ़ौज के ख़िलाफ़, वो फेक थी। इसके साथ जो एक आ रही है कि कारगिल रोड खोलो के वो जो स्लोगन्स लग रहे हैं वो एक्चुअल जो स्लोगन्स हैं वो तो सही हैं लेकिन उसके पीछे की जो पूरे लॉजिक है वो बड़ी एक डिफरेंट है जो पुश की जा रही है। 1960s में जो उस टाइम पे अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने अपने जो यूएस साइंटिस्ट उनको चैलेंज किया था कि उन्होंने जो है मून पे लैंडिंग करनी है। तो उन्होंने इस टाइम पे जो यहाँ का रीजन है उसको बहुत ज़्यादा ऑफर्स की, यहाँ पे जितनी कंट्रीज हैं नासा ने उनको ऑफर्स की कि हम आपके साथ मिलके हम आपको सपोर्ट करेंगे। एंड पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी को आई थिंक जो है पाकिस्तान वॉज द फर्स्ट कंट्री फ्रॉम द रीजन जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डायरेक्टरेट न्यूज़। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जियो टीवी के ड्रामा प्रोडक्शन हादसा और उससे जन्म लेने वाली जो कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर। इसी के साथ साथ पिछले एपिसोड में जिस तरह हमने जिक्र किया था स्पार्क और इसरो का, उनके दरमियान के कुछ कंपेरिजन भी कर लेंगे और थोड़ा बहुत बात करेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस स्पार्को को दरपेश हैं। सबसे पहले मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करा लूँ। मेरे साथ हैं आयशा फरुख, वालेकुम अस्सलाम, एंड आयशा अली, वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह सबसे पहले तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, नेशनल मीडिया के ऊपर कवर नहीं किया जा रहा गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन। बेसिकली हुआ यह है, जो विजुअल्स आ रहे हैं, अब विजुअल्स में भी एक कन्फ्यूजन यही होती है कि ये एक्चुअल विजुअल्स हैं या नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पैडल किए जा रहे हैं बॉर्डर के उस पार की तरफ से, इंडिया की तरफ से। खैर, जो एक्चुअल इशू था वो ये था जो हमने डायरेक्टरेट न्यूज़ पे डिस्कस भी किया हुआ है, ब्लास्फेमी बिल जो था उसके अंदर जो चेंजेस लाए गए थे। तो उसी ब्लास्फेमी बिल के हवाले से जो अहले तशीउ उलमा काउंसिल है उनकी एक मीटिंग हो रही थी और उसमें उनके जो एक प्रेसिडेंट हैं अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान के सैयद बाकिर अल हुसैनी, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी जो उनके अकीदे के मुताबिक थी, लेकिन अहले सुन्नत वाले जो लोग थे उन्हें वो ऑफेंड किया उन्होंने। उसके बाद हुआ कुछ यूँ के प्रोटेस्ट हुए, अब प्रोटेस्ट भी दो फेजेस के अंदर हुए हैं क्योंकि ये समझा जा रहा है कि अहले तशीलों की तरफ से, अहले सुन्नत की तरफ से। एक्चुअली में सबसे पहले प्रोटेस्ट किया गया अहले सुन्नत की तरफ से, वो चाह रहे थे कि FIR की जाए सैयद बाकिर अल हुसैनी साहब के ख़िलाफ़, उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया जाए। खैर, कुछ कोशिश की गई कि मामलात सही हो जाएं, इस नौबत तक बात ना जाए, लेकिन फिर FIR दर्ज करनी पड़ी। अब जब एक दफ़ा FIR दर्ज कर ली उसके बाद फिर मैसिव प्रोटेस्ट हुए जो हमारे अहले तशी बरादरी है उनकी तरफ से, और वो बेसिकली यही था कि जो ब्लास्फेमी लॉ है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उसे स्ट्रक डाउन किया जाए क्योंकि ये उनके ख्याल में उन्हें टारगेट किया जा रहा है इसके थ्रू, और दूसरा ये जो FIR है इसे ख़त्म किया जाए। अब इसमें बीच में कुछ विजुअल्स मैं चाह रहा था कि मैं थोड़े बहुत वो बात करूं, या फिर हम वो मिस इन्फॉर्मेशन में भी कर लेंगे आगे। आयशा, आपने इसके ऊपर बात करनी है थोड़ा बहुत। अभी ये चूँकि बात चल रही है अहले सुन्नत हो गए, अहले तशी हो गए, इनके आपस के जो मामलात हैं, तो आयशा ये मैंने देखे और जब मेरी साफ़ी से भी बात हो रही थी मुजफ्फ़र हुसैन साहब से कि ये किस तरह एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है इसका गिलगित बल्तिस्तान का, स्पेशली जनरल ज़ियाउल हक साहब का जो दौर था उसके बाद से, जिस तरह हमने पाकिस्तान में और स्पेसिफिकली गिलगित बल्तिस्तान में जो एथनिक टेंशन देखी, थोड़ा बहुत बताएं हिस्ट्री क्या है इसकी एक्चुअली। सो आपने जनरल ज़ियाउल हक का जिक्र किया और उनके टाइम का जिक्र किया, तो इससे पहले कि हम ये देखें कि गिलगित बल्तिस्तान में कहाँ से आपके सेक्टेरियन राइट्स पहली बार शुरू हुए, या पहली बार से ज़्यादा जो मेजर एक राइट्स हैं वो 88 के आते हैं, बट उससे उनकी डिटेल्स में जाने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी, उस वक्त आपके रीजन में क्या कुछ चल रहा था और किस तरीके की एक सेंटीमेंट था वो एक राइज पे था। तो उसमें दो तीन चीज़ें आती हैं। अगर आप 80s की बात करते हैं तो आपकी ईरान इराक वॉर अपने पीक पे थी जो 80 से 88 के 8 सालों के दरमियान चली। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की या पाकिस्तान की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं थी ईरान इराक वॉर में, लेकिन जो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट था, जो आइडियोलॉजी थी, वो उस पूरे
पूरे रीजन में या पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक बहुत वाजे तरीके से हमें देखने को मिली। हमें प्रॉपर ब्लॉक्स नज़र आते हैं आपके अहले सुन्नत साइड के और अहले तशी साइड के, आपको प्रॉपर साइड्स नज़र आती हैं कि किन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो किस सेक्टेरियन साइड ले रही हैं। और इसी का जो एक कहना चाहिए इम्पैक्ट, क्योंकि पाकिस्तान में आपके पास दोनों सेक्ट्स मौजूद हैं और उन दोनों की पॉपुलेशन मौजूद है। और गिलगित बल्तिस्तान भी एक ऐसा रीजन है कि जिसमें द्यामर और कोहिस्तान वाली जो साइड है वो थोड़ी अहले सुन्नत वाली साइड है, और जो आपकी नगर वाली साइड है वहाँ पे अहले तशी पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। यही तो, सॉरी मैं थोड़ी सी आपकी बात कर रहा हूँ, यही सिमिलर चीज़ हमने पारा चनान में भी जब डिस्कस की थी वहाँ पे भी इसी किस्म के जो। सो पाकिस्तान आई थिंक वो कंट्री है जिसके अंदर आपके पास ऑब्वियसली एक सेक्ट की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी अदर सेक्ट, लेकिन दोनों जो पॉपुलेशन है वो एक उसको आप ये नहीं कह सकते कि एक बिल्कुल ही नहीं है और आपके पास सिर्फ एक ही सेक्ट मौजूद है। तो जो ईरान इराक वॉर था उसमें बहुत मेजर ब्लॉक्स बने, उसमें सऊदी अरब का एक बहुत रोल आता है, फिर पाकिस्तान की जो रिलेशन है विद दी अदर मुस्लिम कंट्रीज़ वो नज़र आते हैं। तो एक स्पिल ओवर आइडियोलॉजिकल इफेक्ट जो था वो बहुत ज़्यादा आपको मिलता है गिलगित बल्तिस्तान की साइड पर भी। ये जो सेंटीमेंट्स हैं दोनों साइड्स की वो राइज आपको नज़र आती है। फिर दूसरी जो साइड थी, जो दूसरा एक मेजर हैपनिंग हो रही थी 80s में, वो सोवियत इन्वेजन होती है अफगानिस्तान की, जो कि 79 में स्टार्ट हुई, लेकिन उसका जो पाकिस्तान का कहना चाहिए एक रोल था इन द जिहादी मूवमेंट वो 80s में स्टार्ट हुआ। अगेन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का शायद कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन उनकी एक बहुत आइडियोलॉजिकल सिंपथी थी टूवर्ड्स द जिहादीज। तो एक हम एक ये सेंटीमेंट भी राइज होता हुआ देखते हैं। और तीसरा जो सेंटीमेंट है वो आपके पास जनरल ज़ियाउल हक, ऑल्दो ही टोक ओवर इन 77, 5 जुलाई को वो आते हैं, लेकिन उनका भी कहना चाहिए कि उनकी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी वो अहले सुन्नत को बहुत ज़्यादा प्रो अहले सुन्नत थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको उनके 11 साल के टेन्योर में नज़र आती है। तो ये एक ओवरऑल जियो पोलिटिकल सिचुएशन थी जो चल रही थी। और ऑब्वियसली जब आपके मुल्क में, आपके रीजन में, आपके ओवरऑल आगे पीछे जब इस तरह के सेंटीमेंट्स राइज पर होते हैं और आप एक डिफरेंट देख रहे होते हैं कि कौन सी स्पेशली ऑन रिलीजियस बेसिस आप इस तरीके के सेंटीमेंट्स देख रहे होते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल इफेक्ट आपकी पॉपुलेशन पे आता है। और वही हमने गिलगित बल्तिस्तान में देखा कि ऑल्दो दोनों पॉपुलेशंस रह रही थी, लेकिन 88 मई में एक मेजर राइट्स थे वो स्टार्ट हुए, और उन राइट्स की बेसिस जो थी वो ईद का चांद देखने के ऊपर हुई थी बेसिकली, कि वहाँ पे उसमें भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आते हैं। सो एक पर्सपेक्टिव ये है कि बाजौर से केपी साइड से बेसिकली जो लोग थे वो गए थे और उन्होंने ये बात की थी कि जो है वो इस दिन हम ईद मनाएंगे, और जो दूसरी पार्टी थी जो गिलगित बल्तिस्तान की थी उनका कहना था कि हमने ईद इस दिन मनानी है। तो वो जो हमारा जो हम हमेशा वैसे भी देखते हैं कि सऊदीया के साथ ईद मनानी है चांद देखने, और ये मेरे ख्याल से हर साल पूरे मुल्क में की एक डिबेट होती है, लेकिन उस टाइम पर इसके ऊपर क्लैश आया कि किस दिन हमने 30 रोज़े करने हैं या 29 रोज़े करने हैं, और इसके ऊपर राइड स्टार्ट हुए। और फिर दोनों जो आपके सेक्ट्स हैं उनके दरमियान, जो उनके एरियाज़ हैं उनके दरमियान जो है वो क्लैश स्टार्ट हुआ। वो इवेंचुअली इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो पूरे गिलगित बल्तिस्तान तक फैला। अब इसमें भी कैजुअल्टीज जो हैं वो डिफरेंट कोट की जाती हैं। जो अहले सुन्नत ग्रुप है वो कहता है कि सिर्फ 15-20 लोगों की डेथ्स हुई हैं इन क्लैशेस में, लेकिन अगर आप अहले तशी वालों की साइट पढ़ें तो उनकी एक बुक भी है शोदाए गिलगित बल्तिस्तान, जो उनके राइटर मोहब्बत अली कैसर साहब है उन्होंने लिखी है, उसमें उन्होंने पूरा वाक्य और किस तरीके से राइट्स ने स्टार्ट हुए, किस तरीके से पूरी गिलगित बल्तिस्तान में फैलना शुरू हुआ, उनमें उन्होंने जो एग्जैक्ट फिगर दी है कि हमारे 13 गांवों पे हमले हुए जो जहाँ पे अहले तशी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और वहाँ पे 88 लोगों की डेथ्स हुई। लेकिन अगर हम एक कहना चाहिए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देखते हैं तो इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने उस टाइम पर अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी डिस्कॉर्ड इन पाकिस्तान्स नॉर्दर्न एरिया के नाम से, और उसमें उन्होंने कहा था कि तकरीबन 150 से 200 लोगों के कैजुअल्टी रेट रहा है इन राइट्स में, जिसमें दोनों पॉपुलेशंस के लोग शामिल हैं। सो ओवरऑल आई थिंक ये जो सेक्टेरियन वायलेंस है वो इसी तरीके से स्टार्ट होता है कि कोई एक छोटी सी चीज़ होती है वो ट्रिगर होती है, बट उसका जो बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव्स आपके चल रहे होते हैं, जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स चल रहे होते हैं, वो उसमें पार्ट प्ले करते हैं। और फिर 88 का जो साल है वो बड़ा हैपनिंग ईयर भी रहा है पाकिस्तान के लिए। अप्रैल में ओजड़ी कैंप का वाकया होता है, मई में ये राइड्स होते हैं, अगस्त में जो है वो एक प्लेन क्रैश होता है जिसमें जनरल ज़ियाउल हक की डेथ होती है। सो ओवरऑल बड़ा आपका एक पॉलिटिकल टर्मोइल भी था, एक रीजन में भी टर्मोइल चल रहा था। तो उस सब के इफेक्ट्स जो हैं वो हम फिर गिलगित बल्तिस्तान में इस तरीके से देखते हैं।
अच्छा, उसके बाद भी हमने ओवर द ईयर्स इस तरह के वाकयात देखे हैं आयशा, इसके बारे में हम थोड़ी बहुत और आगे जाके बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ा डीपली आप इंट्रेंच्ड कह सकते हैं इस वक्त की भी पॉलिटिकल सिचुएशन से, कि किस तरह बसों से लोगों को उनके मजहबी अकायद की बुनियाद पर उतार के मारा गया। तो ये भी एक बड़ा हिस्ट्री रही है गिलगित बल्तिस्तान की। लेकिन मैं उससे पहले आयशा आपकी तरफ आना चाह रहा था, जिस तरह मैंने जिक्र किया मुजफ्फर हुसैन साहब से बात हुई थी, इसके ऊपर हमने प्रॉपर एक एक्सप्लेनर किया हुआ है, इसे हम डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर लेंगे ताकि आपको पूरी एक कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाए कि वहाँ पे एक्चुअली इशू क्या चल रहा है। लेकिन वहाँ पर एक जो उनसे मेरी बात हुई वो ये थी कि किस तरह चूँकि नेशनल मीडिया उसे कवर नहीं कर रहा फॉर सम रीज़न, चाहे वो सिक्योरिटी इशू हो या उनके कुछ और प्रायोरिटीज़ हों, अब वहाँ पर जो इंडियन मीडिया है वो अपना नैरेटिव पुश कर रहा है, और उससे हो ये रहा है कि जो वहाँ के लोग हैं जिन्हें डायरेक्ट एक्सेस नहीं इन्फॉर्मेशन का, वहाँ पे हेट्रेड और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो एक खास स्पेसिफिक एंगल से पुश किया जा रहा है सारा नैरेटिव, जिसमें हमने खैर वो नारेबाजी देखी कि फ़ौज के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, कारगिल रोड खोल दो। तो ये जो सारा मिस इन्फॉर्मेशन का जो रोल है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं कि क्या इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। फ़ौज के खिलाफ नारे वाज अ फेक वीडियो, yes, जहां तक मेरी नॉलेज है। और उसके अलावा असल में ऐसी जब सिचुएशन क्रिएट होती है तो बजाय ये कि मुझे इस तरह से लगता है कि बजाय ये कि हम अगले बंदे का या एक्सटर्नल पार्टी या मुल्क दुश्मन अनासिर का रोल उसमें एग्जामिन करें, हम सबसे पहले स्टेट का रोल एग्जामिन करें। व्हाट इज़ इंडिया हाईलाइटिंग इन जीबी राइट नाउ? दे नॉट जस्ट हाईलाइटिंग द प्रोटेस्ट, दे हाईलाइटिंग के वहाँ पे बहुत टाइम से लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, वहाँ पे वीट के ऊपर जो प्रोटेस्ट हुई थी वो हमने देखी, जब बिल्स बढ़े तब जो प्रोटेस्ट हुई थी वो हमने देखी। तो ऑन द होल 2023 हैज़ बीन अ वेरी पॉलिटिकली चार्ज्ड ईयर, और ज़्यादा कवरेज नहीं मिली। गिलगित बल्तिस्तान को ऐसा इलाका समझा नहीं जाता कि वो न्यूज़ भर दिया, तो उन्हें उनकी आवाज़ भी कोई नहीं बना। और वही बात कि इवन जब हम लोग इस किस्म की न्यूज़ कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सो वेयर टेकिंग यानी ऑब्वियसली हम नैरेटिव लाइन इंडिया से नहीं ले रहे होते, पर यानी जस्ट टू कीप एन आई ऑन थिंग्स आप वो करते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें जो है वो ऑब्वियसली हर चीज़ को ऑब्जेक्टिवली व्यू करना चाहिए। इंडिया जो है पर्टिकुलरली कुछ चैनल्स जो हैं दे हैव बीन नोन टू पेडल मिस इन्फॉर्मेशन, आपके टाइम्स नाउ हो गया, उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस रह चुकी हैं। फिर आई गेस वायन न्यूज़ है जिन्होंने काफ़ी दफ़ा जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। तो वी जस्ट नीड टू बी केयरफुल इन द वे दैट वी कंज्यूम आर मीडिया। सो 2020 में भी हमने देखा कि एक EU डिसइन्फो लैब थी जिन्होंने जो है वो पूरी एक रिपोर्ट पब्लिश की ऑन हाउ इंडिया पुशेस इट्स एजेंडा थ्रू वेरियस नेटवर्क्स दैट इट हैज सेट अप। वो न्यूज़ चैनल्स का एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क उनका सोशल मीडिया है पे है जो यानी इस किस्म की न्यूज़ पेडल करते हैं। खुद भी हमने देखा है जब हम इंडिया के हवाले से कोई भी बात करते हैं तो बहुत डेडिकेटेडली जो है वो लोग आके हमें कमेंट्स में कभी दुआएं कभी बदुआएं देके चले जाते हैं। तो यानी वी हैव सीन द मिस इन्फॉर्मेशन एट प्ले एंड द टारगेटिंग एट प्ले एंड द ट्रोलिंग एट प्ले। तो इट्स रियली मोर अबाउट कि हम खुद अपने एंड पे क्या कर रहे हैं। सो इट्स रियली मोर अबाउट ऑन द होल हाउ पाकिस्तान इज ट्रीटिंग द नॉर्दर्न साइड और उधर की जो इशूज हैं उनको क्यों जो है वो ज़्यादा मेन स्ट्रीम लाइट में नहीं लाया जा रहा। एंड इसमें आई वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग कि जिस तरह हम मिस इन्फॉर्मेशन की बात करें, सो आई थिंक 2020 अक्टूबर में कराची में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें 5 लोगों की डेथ हुई थी और उसके बाद सिविल वॉर इन कराची पूरा ट्रेंड किया था। हाँ, वो पूरा एक पूरा इंडियन मीडिया जिस तरीके से उसको कवर कर रहा था कि आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, इमरान खान जा रहे हैं, उस टाइम पे जनरल बाजवा वॉज आर्मी चीफ तो ही हैज़ टेकन ओवर, उनकी पिक्चर्स फ्लैश कर रही थी और वो पूरा एक लिटरली ट्रेंड कर रहा था और लोग फिर उसको एक पूरा एक दो दिन तक वो चीज़ चलती रही। और उसकी अगर आप बैकग्राउंड देखें तो आई थिंक उसके एक दो दिन या दो तीन दिनों बाद FATF की मीटिंग होनी थी जिसमें ये डिसाइड होना था कि पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट को एग्जिट करना है या नहीं करना। तो किस तरीके से मीडिया को यूज़ किया जाता है इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन, सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की हद तक नहीं होती, पूरा नैरेटिव बिल्ड कर रहे होते हैं। बट अगेन उसमें हमने इतना शायद गैप छोड़ा होता है क्योंकि अभी भी आप जब गिलगित बल्तिस्तान में पिछले दो तीन दिनों में ये जितने भी वाकयात हुए हैं या प्रोटेस्ट हुए हैं तो आपको बहुत कम मिलेगा कि मेन स्ट्रीम उसको कवर करे। और आप जब भी गिलगित बल्तिस्तान प्रोटेस्ट, दासू प्रोटेस्ट ये सबको गूगल भी करते हैं तो सबसे पहले आपके पास इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स आती हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी मीडिया की। तो वो गैप शायद होता है कि वहाँ पे उनको स्पेस मिल जाती है। और एट द सेम टाइम जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है उसको थोड़ा बहुत अगर हम क्विक
डिबंक करने की तरफ जाएं तो वो यही है कि जिस तरह फौज के खिलाफ जो नारेबाजी का था वो फेक वीडियो थी। एक और चीज़ जो आई थिंक इस पॉइंट पे वर्थ मेंशनिंग है कि हमने पिछले कुछ दिनों में जो है वो बहुत पॉलिटिकल पोलराइजेशन एक बहुत हाइट पे जाती हुई देखी है, रिलीजियस पोलराइजेशन एक बहुत हाइट पे जाती हुई देखी है जो जानावाला में हुआ। उसको आपने ये तो कह दिया कि यानी वो आपकी एक्सटर्नल फोर्सेज ने करवाया है और पाकिस्तान में कोई भी इस किस्म का वो कर नहीं सकता इस किस्म की हरकत, लेकिन आई थिंक एट द सेम टाइम जब आपको पता है कि यानी ऑलरेडी इतने ट्रिगर्स मौजूद हैं एक जगह पे, तो व्हाई आर यू यानी एलियनेट करने से वो ट्रिगर्स मज़ीद बढ़ेंगे। और जब दुश्मन जो है उनका तो एम अल्टीमेटली यही है कि वो आपकी पॉपुलेशन को बस एक ट्रिगर चाहिए उन्हें और वो खुद ही आपस में लड़ लड़ के वो हो जाएंगे, राइट? दैट इज़ व्हाट थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर इज़, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर इज़। तो उसमें यानी आई थिंक रियली प्रोवाइडिंग ह्यूमन सिक्योरिटी क्या आप यानी अपने लोगों के खाने पीने का और अपने लोगों को हर किस्म की एक्सेसिबिलिटी मुहैया करने का आप ख़ुद भी वो करें ताकि लोग जो है वो आपकी साइड भी लें, जो लोग आपकी साइड लेते हैं उनकी भी आवाज़ आगे आए। और सबसे ज़्यादा कि फॉर एग्जांपल आप वो राइट्स नहीं दे सकते किसी वजह से भी, इलेक्ट्रिसिटी या गैस वगैरह नहीं दे सकते, तो कम से कम उनके पास ये होना चाहिए कि वो अपनी आवाज़ उठा सकें, उस स्टेट तक अपने ग्रीवेंसेस पहुँचा सकें। खैर इसी में मिस इन्फॉर्मेशन की जब बात करते हैं तो मैं तीन चार चीज़ें क्विकली करना चाह रहा था कि देख के पता चल जाए कि क्या एक्चुअली हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये जो खबरें आ रही हैं कि स्कर्दू बिल्कुल जैम हो गया है और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को बंद कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। और इसी के साथ साथ जो नारेबाजी की वीडियोस थी जिस तरह आयशा ने मेंशन किया फ़ौज के ख़िलाफ़, वो फेक थी। इसके साथ जो एक आ रही है कि कारगिल रोड खोलो के वो जो स्लोगन्स लग रहे हैं वो एक्चुअल जो स्लोगन्स हैं वो तो सही हैं, लेकिन उसके पीछे की जो पूरे लॉजिक है वो बड़ी एक डिफरेंट है जो पुश की जा रही है। असल में हुआ ये था कि जब ये सारे अहले सुन्नत वालों की तरफ से जब प्रोटेस्ट शुरू हुए और ये कोहिस्तान और बाकी इलाकों में फैल गए, तो कुछ लोकल लीडर्स ने ये कह दिया कि हम यहाँ से जो अहले तशी लोग हैं उन्हें गुजरने नहीं देंगे, जिसकी वजह से फिर अहले तशी लोगों की तरफ से भी FIR वगैरह दर्ज कराने की कोशिश की गई कि उनकी अब जान को ख़तरा है। अब एक्चुअल मसला डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नहीं है, जो वहाँ पर काराकोरम हाईवे गुजरती है उसके इर्द गिर्द जो अहले सुन्नत की पॉपुलेशन ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है, अहले तशी लोगों की नहीं है। और चूंकि कारगिल रोड वाला जो सारा इलाका है वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जो उनके हिस्टोरिकल पैथवेज रहे हैं गुजरने के वो खोले जाएं ताकि उन्हें काराकोरम हाईवे के एरिया के थ्रू ना जाना पड़े, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी आयशा आपकी बात पर रिस्पॉन्ड किया था कि ये हिस्ट्री रही है कि मुसाफिर बसों से लोगों को उनके मजहबी अकीदे की वजह से उतार के मारा गया, तो वो सारा एंगल ये था। लेकिन अभी अगर बात की जाए कि इस सारे मामले को हल करने के लिए क्या किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक अमन कमेटी बनाई गई है जो कुछ दिनों पहले तो अहले तशी जो उलमा थे उनसे बातचीत कर रही थी, उसके बाद फिर अहले सुन्नत के उलमा के साथ, और इसे क्विकली हल करने की तरफ लेकर जाया जाए ये कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से। इसी के साथ मेरा ख्याल है अब हम अपनी दूसरी स्टोरी के ऊपर आ जाते हैं, किसी ने अगर कुछ ऐड तो नहीं करना। दूसरी स्टोरी वही है जो एक बड़ी अपसेटिंग आई थिंक ट्वीट थी, आप सब ने पढ़ी होगी। एक सहाफ़ी ने ट्विटर के ऊपर एक कॉन्वर्सेशन डाली जो कि एलिजिडली वो कॉन्वर्सेशन उनके साथ है जो आज से चंद साल पहले एक रेप केस था उनकी विक्टिम के साथ। अब हुआ ये सारा कॉन्टेक्स्ट ये था कि जियो टीवी के ऊपर एक ड्रामा बनाया जा रहा है हादसा के नाम से, अब वो जो सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों, उसके अंदर भी एक रेप केस का जिक्र किया गया और इन दोनों केसेस के दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो विक्टिम है उनका ख्याल है कि उनकी स्टोरी को यूज़ किया जा रहा है, और अगर स्टोरी को यूज़ किया भी नहीं जा रहा तो सिमिलैरिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि एक PTSD होती है, ट्रामा होता है, और वो उन्हें दोबारा से रिलिव करना पड़ रहा है। खैर आयशा थोड़ा बहुत इसमें बताइएगा कि एक्चुअल ये सारा वो क्या था। जिस तरह फराज आपने बताया कि एग्जैक्टली ये कंट्रोवर्सी या ये जो डिबेट है कहना चाहिए ये शुरू हुई है आफ्टर अ जर्नलिस्ट जिनका नाम फरिया इदरीस साहिब है, उन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट की और वो उनकी कॉन्वर्सेशन थी जो 2020 मोटरवे रेप इंसिडेंट की जो सर्वाइवर हैं उनके साथ, और क्योंकि उनकी कोई डिटेल्स, उनका नाम, उनकी कोई पिक्चर नहीं आज तक रिवील की गई और उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ड्यू टू हर प्राइवेसी रीजंस, तो ऑब्वियसली वो कोई कन्फर्मेशन उस तरीके से नहीं आ सकती कि क्या वो उन्हीं के साथ थी। ये फरिया इदरीस साहिबा के ऊपर उन्होंने पूरी अपनी कॉन्वर्सेशन की डिटेल लिखी, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद जो है आफ्टर दैट इंसिडेंट उनकी सर्वाइवर से बात हुई और उन सर्वाइवर ने कहा
कि ये जो ड्रामा है और उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स दिखाई जा रही हैं, जितनी भी ग्रूसम डिटेल्स हैं, चाहे वो रेप को लेकर हैं, चाहे उसके बाद हॉस्पिटल के सीन्स हैं, वो सब एग्जैक्टली वही हैं जो कि मेरे साथ हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं वो सारा ट्रॉमा रिलीव कर रही हूँ, मेरे लिए ऑलरेडी उस चीज़ से बाहर आना बहुत मुश्किल है और मेरे बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल है, मेरी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल है और हम सब लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। और फिर से उसको टीवी पे देखना, फिर से उसको एक नए मेन स्ट्रीम चैनल पे देखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और उन्होंने उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन जब वो उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट की कि उनकी किस तरीके से बात हुई, वो बहुत डिटेल थी कि किस तरीके से वो रो के अपनी बात कर रही थी और सारा कुछ। सो उसके ऊपर बाद में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसको इशू को उठाया और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जो है ट्विटर पे कमेंट करना शुरू किए कि आप लोग इस तरीके से प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो सेंसेशनलिज्म के लिए सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए किसी के रियल लाइफ स्टोरी को सुना देते हैं। उसके बाद एक जो सबसे बड़ा कमेंट आया वो हदीका क्यानी साहिबा का आया जो कि उस ड्रामे में मेन लीड का मेन लीड है और जो उस बेसिकली सर्वाइवर रेप सर्वाइवर का रोल अदा कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि जब मैंने ये ड्रामा साइन किया था तो मैंने कई बार अपने प्रोड्यूसर से और अपने राइटर और डायरेक्टर सबसे पूछा था कि क्या ये हम 2022 मोटरवे रेप इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, क्या हमने उससे मतलब स्टोरी को लिया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस के बाद ये श्योरिटी दी गई थी कि इसका उस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स अ फिक्शनल स्टोरी। और उन्होंने कहा कि उन डिस्कशंस के बाद ही मैंने ड्रामा साइन किया था, लेकिन अगर मेरे इस ड्रामे से लोगों की सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, तो वो अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेती हैं। लेकिन उसके बाद अभी जो इस शो के प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी रिस्पॉन्स आया, उन्होंने कहा कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है उस इंसिडेंट से, ये एक फिक्शनल स्टोरी है और इसके अंदर डिटेल्स भी बहुत चेंज हैं। सो ऑब्वियसली वो फिर इजाज़त लेने वाला और परमिशन लेने वाला तो सीन ही नहीं है। और अभी उन्होंने कहा कि ड्रामा तो अभी डेवलप हो रहा है, अभी तक आई थिंक सिर्फ 10 एपिसोड्स उसकी आई हैं और इस ड्रामे की स्टोरी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। कॉमन फैक्टर ये है कि हाँ इट्स अ रेप स्टोरी। सो अभी जब ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी तो मैंने ड्रामे को जाके थोड़ा सा उसका देखा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो ये ड्रामा आई थिंक इसकी अभी तक 10 एपिसोड्स आ चुकी हैं जब पैमरा ने इसको बैन किया है और उसके कुछ टीजर्स और ट्रेलर्स, यस उसमें एक कॉमन चीज़ ये है कि वो इंसिडेंट जो होता है वो मोटरवे पे ही होता है, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने उसको ड्रामेटाइजेशन करके उसमें काफ़ी चेंजेस हैं, उसकी फैमिली नैरेटिव्स बहुत चेंज हैं, उसके अंदर जो उनके बच्चों की और पूरा वो एक कहना चाहिए पूरी कहानी चेंज है। तो अब इसके अंदर 2-3 सवाल हैं कि ऑब्वियसली अगर हम एक प्रस्पेक्टिव से देखें कि क्या इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, चाहे कोई भी इस तरह का आपका मशहूर वाक़या होता है, उसको अगर आपने किसी फिक्शनल स्टोरी में लेकर आना होता है तो उसके ड्रामेटाइज करने के क्या क्या एथिक्स होते हैं, क्या आपको विक्टिम से किस तरीके से बात करनी चाहिए, सर्वाइवर या विक्टिम जो हैं अगर वो नहीं बात करना चाह रही है, उनकी फैमिली का कंसेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, बेशक आप उससे इंस्पायर्ड स्टोरी भी ले रहे हैं। तो दूसरा उसके अंदर जो एक सवाल है कि इस तरीके से, तो फिर ये भी एक तरफ सवाल उठाया जा रहा है कि ऑब्वियसली फैमिली डायनेमिक्स और बाकी सारी चीज़ें तो बहुत चेंज हैं उसके अंदर, सिर्फ मोटर वे पे होना और एक गाड़ी में होना इज़ अ कॉमन थिंग, तो इस तरीके से तो जो आपकी कहीं ना कहीं इस तरह की सिमिलैरिटीज़ तो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो क्या सिर्फ इस बेसिस पे ड्रामे को बैन कर देना और उसको ना दिखाना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। और दूसरा, इन ड्रामास जब भी हम स्पेशली, जो सबसे बड़ा सवाल है कि जब हम इस तरह के सोशल इवेंट्स पे बात करते हैं, रेप के ऊपर बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करते हैं, सो ऑब्वियसली सिमिलैरिटीज़ तो क्योंकि ये केसेस अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा तादाद से हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी आपस में केसेस में इतनी सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं कि जो उनके ट्रॉमा सर्वाइवर्स होते हैं उनको वो कहीं ना कहीं रिलेट कर जाते हैं और उनके लिए वो बहुत ट्रिगरिंग होता है। तो क्या हमें किस तरीके से उनको दिखाना चाहिए, ट्रिगर वार्निंग होनी चाहिए, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, प्लस अगर हम इस तरह की चीज़ें दिखा भी रहे हैं अपने शोज़ पे तो उसमें हमारा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्या हम फोकस उस सर्वाइवर के ऊपर करें, उसकी घरेलू डायनेमिक्स पे करें, या फिर हम उस जो प्रेपरेटेटर्स हैं उनके ऊपर फोकस करें, हम अपने जस्टिस सिस्टम पे फोकस करें। सो वो आई थिंक ड्रामा मेकर्स को बनाते हुए इन सवालों को जहन में रखना चाहिए, क्योंकि जो सर्वाइवर की फरियाद री साहिबा के साथ जो एक कॉन्वर्सेशन है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि मेरे जो अभी तक जो जिन्होंने मेरे साथ ये किया था अभी तक वो पकड़े नहीं गए, मुझे इंसाफ नहीं मिला और मैं बहुत मुश्किल से
ये सब कुछ अभी सर्वाइव कर रही हूँ और उसके ऊपर इसको सेंसेशनलिज्म देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सो मेरे ख्याल से ये दो तीन सवाल हैं जो हमें उनको मज़ीद डिस्कस करना या इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक बात तो है कि हाँ, हमारे पास सिर्फ अभी एक साइड की स्टोरी आई है और इसके ऊपर हम जजमेंट जल्दी नहीं दे सकते, लेकिन मेरा फिर भी ये एक सवाल है कि अगर हदीका क्यानी साहिबा को स्क्रिप्ट देख के ये लगा कि ये मोटरवे केस के बारे में है, तो मतलब बाकी पाकिस्तान को भी लगेगा, इतनी सिमिलैरिटीज थी। और आप ये भी देखें कि अगर आप कहते हैं कि ये मसला अवेयरनेस के लिए था, तो आप अवेयरनेस किस तरह क्रिएट कर रहे हैं? जिस तरह आपने कहा वो सारी उनकी घरेलू डायनामिक्स के ऊपर होता है। अब मैं एक पोस्टर देख रहा था, मैं वर्ड टू वर्ड कोट नहीं कर रहा, लेकिन उसका मेन आइडिया ये था कि एक दफ़ा लुटी हुई इज्जत या खोई हुई इज्जत वापस लौट कर नहीं आती। तो आपकी अवेयरनेस क्या है? ये अवेयरनेस आपकी, आप सस्पेक्ट्स को नहीं दिखा रहे, ये जो परपेट्रेटर्स थे उन्हें नहीं दिखा रहे। उसके अलावा इसमें दो तीन चीज़ें और जो मैंने नोटिस की, आप इंटरनेशनल इस किस्म की मूवीज़ ड्रामास देखें तो वहाँ पर एक डिस्क्लेमर आता है कि एनी रिजेंबलेंस टू एनी इंडिविजुअल इवेंट इज़ प्योरली कोइंसिडेंटल, इस किस्म का एक डिस्क्लेमर होता है। वो खैर मैं टीवी पे तो नहीं देखता, मैंने यूट्यूब पे जब देखा था इस किस्म का कोई डिस्क्लेमर नहीं था। प्लस एक चीज़ जो मुझे बड़ी प्रॉब्लमेटिक लगी, अब चाहे उसकी कोई भी वो आइडिया दें, अब एक जियो टीवी एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है, TCM के ऊपर जो कुछ भी जाता है एट द एंड ऑफ द डे TCM एक एंटिटी है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि यार ये हमने खुद चेक करना है। ड्रामे के दरमियान में मैं देख रहा हूँ कि वो एक लाइन आ रही है कि जियो टीवी तमाम कंटेंट से, तमाम कैरेक्टर्स से, उनके आइडियाज़ से, उनकी लॉजिक से बरियूज जमा है। आप कैसे एक ड्रामा लाखों लोगों तक पहुँचा सकते हैं और उसकी पर एपिसोड 1,000,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और आप नीचे कह रहे हैं कि ये हम बरियूज जमा है? तो ये अकाउंटेबिलिटी कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी के साथ आई थिंक एक चीज़ जिसके ऊपर बात होनी चाहिए कि ठीक है प्रोड्यूसर्स बुरे हैं, हमारी मीडिया इंडस्ट्री बुरी है, लोगों के भी माइंडसेट के ऊपर बात करनी चाहिए कि हर एपिसोड, अभी मैं पिछली देख रहा था रिसर्च के दौरान, एक दिन में 1,000,000 व्यूज़, 1,100,000 व्यूज़, ये लोग देख क्यों रहे हैं? हमें इसके ऊपर भी देखना पड़ेगा कि ऐसी क्या, क्योंकि हम तो ये कहते हैं ना कि घरेलू कॉन्टेंट इसलिए चलता है क्योंकि रिलेटेबल होता है खवातीन के लिए। इसमें रिलेटेबिलिटी का क्या एस्पेक्ट है जो हम दिखाते हैं? सास बहू की झड़पें इसलिए दिखाई जा रही हैं कि खवातीन रिलेट कर सकती हैं, लेकिन इस किस्म का कंज्यूम क्यों किया जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। आयशा, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? बिल्कुल फराज, आई थिंक जहाँ तक जिस तरह बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स भी इस तरह से करते हैं कि हम जो है वो जो भी बंदा उनके चैनल पे आ रहा है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्सन्स ओपिनियंस, दे आर नॉट, वो यानी एक तरह से अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी कर लेते हैं, वो यानी ऑब्वियसली एक लीगल लाइबिलिटी है, वो लीगल लाइबिलिटी है, अगर आपने सू करना है तो बजाय ये कि आप जाके पूरे चैनल को सू करें और वो पूरा एक बड़ा सा केस बने, आप जाके उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर को, लेकिन उसमें भी तो पता है क्या मुझे क्या मसला है कि लाइव चैनल में तो आपको समझ आता है अगला बंदा कुछ भी बोल दे आप क्या कर लेंगे, आपके पास बफर पीरियड भी होता है, लेकिन वो कुछ चैनल्स पे 3 सेकंड 8 सेकंड वो उसमें चांसेस हो जाते हैं। लेकिन एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट रिव्यू हुई भी है, आपने एक्टर्स हायर किए हैं, महीनों उसकी प्री प्रोडक्शन में लगा है, उसके बाद भी अगर आप शोर नहीं है कि यार इस पर मसला हो सकता है, तो आपको अपनी डिसीजन मेकिंग के ऊपर कुछ ना कुछ अब वो करना पड़ेगा कि आप कुछ बेहतर सिस्टम क्रिएट करें। आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स, आई थिंक कि प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं वो खुद से चैनल्स को यानी वो पहले कर लेते हैं, आइडियाज प्रोड्यूस करते हैं और फिर यानी वो जाके पिच करते हैं, कुछ होते हैं पहले बना लेते हैं फिर बेच देते हैं, और कुछ होता है कि फंडिंग वहां से उठाते हैं और पूरा ड्रामा बनाते हैं। तो लेकिन दोनों केसेस में उनके पास स्क्रिप्ट होती है, एयर करने से पहले उनके पास कंटेंट होता है, तो ये बड़ी एक इरिस्पॉन्सिबल चीज है। आई थिंक व्हाट द इशू हियर वाज मेनली कि यानी कोई ट्रिगर वार्निंग नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से जो है वो अ रेप विक्टिम हैड टू रीलिव हर ट्रॉमा। The question of whether the story was hers या नहीं थी वो एक बहुत लंबी चौड़ी डिबेट है, आप सिमिलैरिटीज और उसमें नहीं भी जाएं तो किसी भी रेप विक्टिम को आप इस तरह से उनकी वो नहीं कर सकते, यू नो, आप फिर से उनको उस चीज़ में नहीं झोंक सकते, यू कैन नॉट फोर्स देम टू रिलीव दैट थिंग, और वो भी कि जब उसको इतना टाइम लगा उस चीज़ को सप्रेस करने में। सो हमने देखा था एक जो दिल्ली क्राइम एक बहुत पॉपुलर सीजन है नेटफ्लिक्स पे, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द बस गैंग रेप दैट हैपेंड इन दिल्ली, और उसकी भी यानी उन्होंने उसकी स्टोरी उठाई और उन्होंने यानी फोकस रखा, बट द फोकस वाज मोर ऑन हाउ द विक्टिम वाज ट्राइंग टू गेट जस्टिस और वो किस तरह से केस के ऊपर बेसिकली। हाँ, अल्टीमेटली द विक्टिम डिडंट इवन सर्वाइव उस केस में भी, जब यानी इवन व्हेन द केस वाज हैपनिंग, मैं अभी शो की बात नहीं कर रही, उस केस में भी विक्टिम की आइडेंटिटी को बहुत प्रोटेक्ट किया गया था। निर्भया केस के नाम से वो केस मशहूर है, बट दैट वाज नॉट इवन द रियल नेम ऑफ द विक्टिम। तो यानी एक ओवरऑल सोशल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना मीडिया की, कि उस बंदी का अब जिस तरह आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड थिंग ऑन द पार्ट ऑफ फरी हैदरीस एंड अदर जर्नलिस्ट हु हैव कवर्ड दिस स्टोरी, कि उन्होंने बिल्कुल भी उनका नाम नहीं आने दिया किसी भी तरह से,
या अगर बहुत सारे इंस्टेंसेस में इस तरह से भी कर लेती हैं मीडिया ग्रुप्स के, यानी नाम चेंज करके वो कर देते हैं और फिर वो आगे जाके मेंशन कर देते हैं कि ये, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट तो है. और आई थिंक अगर वो सू करना चाहें जियो न्यूज़ को तो उनके पास ग्राउंड्स भी हैं. जो विक्टिम है अगर वो सू करना चाहें तो उनके पास ग्राउंड्स भी हैं, लेकिन वही बात के अगर प्रोड्यूसर कह रहा है कि उसने नहीं उस चीज़ पे बेस किया कि even if it is very loosely based on, बड़ा ग्रे एरिया है. हाँ, तो वो यानी आप किस हद तक डिफेंड कर सकते हैं ये तो यानी फिर कोर्ट ही डिसाइड करेगा. आई थिंक इसमें जो सो डिस्कशन हो रही है ना कि एक तो ऑब्वियसली एक जो सवाल है कि जब इस तरह के केसेस होते हैं जिनमें आइडेंटिटी रिवील नहीं होती तो आपके पास डबल चेक करने का एज अ जर्नलिस्ट ये तरीक़ेकार मौजूद नहीं होता कि क्या वो ट्वीट में जितनी कॉन्वर्सेशन हुई थी क्या वो एक्चुअल में हुई थी या नहीं हुई थी, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता. सो इस तरह के केसेस, दूसरा इसमें जो डिस्कशन है कि क्या वो केस पे मबनी है ड्रामा या नहीं है, आई थिंक हमारे यहाँ ओवरऑल जब हम टीवी एक ऐसा मीडियम है जो हर किसी के पास एक्सेस है, एंड आपको जब भी आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करें जो सोशल इवल्स हैं आपके, चाहे वो आप रेप के बारे में बात करें, चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर हमने ड्रामास देखे, ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर हमने ड्रामास देखे, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर हमने देखे, पर उसमें मकसद डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आपको कोई ये नहीं कह रहा कि ड्रामा ना बनाएं, रेप के ऊपर आप जो है इसके अगेंस्ट जो है आप ड्रामा ना बनाएं. प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आप इस ड्रामे को बना तो रहे हैं, आप रेप को एज यूज़ करें सेंसेशनलिज्म की, जी इस ड्रामे में रेप स्टोरी दिखा रहे हैं, बट क्या आप उसमें ग्लोरिफिकेशन दिखा रहे हैं या विक्टिम ब्लेमिंग दिखा रहे हैं, मसला वहाँ पे आता है. आई थिंक एक और ड्रामा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसका नाम खानी था, एंड उसके ऊपर भी ये बात डिस्कशन आई थी कि ये जो शाज़ेब मर्डर केस है जिसमें शाहरुख जुदोई वॉज द मेन कन्विक्ट, उनके ऊपर एक लूजली बेस्ड ड्रामा है. अब सो उस अगर हम उस एक्चुअल केस को भी देखें तो उसमें जो शाज़ेब जिनका मर्डर किया गया उनकी बहन के ऊपर जो थे वो शाहरुख जुदोई और उनके फ्रेंड्स का, वो जो पूरा एक पूरा हम उस केस को देखते हैं तो उसमें कहीं से भी हम एक्यूज्ड को या कन्विक्ट को हीरो बना के नहीं दिखा सकते. सो आई थिंक कुछ साल पहले एक ड्रामा आया था उसका नाम हानी था, जिसके ऊपर भी अगेन ये बात हुई थी कि क्या ये शाज़ेब मर्डर केस के ऊपर बेस्ड है या नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा शाज़ेब मर्डर केस की सिमिलैरिटीज़ उस केस में बहुत ज़्यादा थी. लेकिन अगेन मसला ये नहीं है कि आप उस केस को एज इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आप उस केस को एज बेसिक स्टोरी ले रहे हैं और उसके अराउंड ड्रामेटाइजेशन कर रहे हैं. वो वी अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली व्हेन यू आर मेकिंग अ ड्रामा और अ फिल्म तो आपको एक ड्रामेटाइजेशन एक हद तक करनी होती है, क्रिएटिव लिबर्टी होती है. बहुत सारी फिल्म्स जो होती हैं वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर से इंस्पायर्ड होती हैं, एक तो वो लोग हमेशा मेंशन भी करते हैं, दूसरा मसला यहाँ आता है कि क्या आप उनको ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हैं या आप एज इट इज़ कोई एक्चुअली अवेयरनेस कर रहे हैं. अब उस ड्रामे के अंदर भी अगेन मसला ये आया था जो खानी ड्रामा था कि उसके अंदर जो मेन मेल कैरेक्टर लीड थे वो फिरोज़ खान ने उसको प्ले किया था, और उसके अंदर उन्होंने जिस तरीके से लड़की की फैमिली को टॉर्चर किया और पूरा एक वो कि उसके भाई की भी कत्ल हो जाता है, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, एट द एंड ऑफ द डे जब आपने उसको जेल तक पहुँचा देते हैं बट वो इतना ग्लोरीफाई करके उसको पहुँचाते हैं कि जितनी आपकी पॉपुलेशन थी, और आप अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर जो फ़ैन ग्रुप्स होते हैं मतलब वो सारे के सारे सपोर्ट कर रहे थे, आप कमेंट्स पढ़ते हैं जब जाकर या लोगों का रिएक्शन देखते हैं तो उसमें एवरीबॉडी वो सपोर्टिंग जो फिरोज़ खान का कैरेक्टर था जिसने इतना टॉर्चर किया था पूरे ड्रामे में, जिसने कत्ल भी किए थे, जो उसने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया था गलत तरीके से, जो वो एक्चुअली एंड अप इन जेल, लेकिन लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे कि लड़की को उसको माफ़ कर देना चाहिए और ये तो हमारा हीरो है एंड एवरीथिंग. सो आपने एट द एंड ऑफ द डे आप अवेयरनेस तो नहीं क्रिएट की, अगेन आपने जो गलत चीज़ उसकी इतनी ग्लोरिफिकेशन कर दी. अब चाहे वो आपकी चॉइस ऑफ एक्टर्स है, चाहे आपके चॉइस ऑफ डायलॉग्स हैं कि आपने वो इतने पॉपुलर एक्ट्रेस से जब आप करवाते हैं क्योंकि अपनी एक अगेन फैन फॉलोइंग होती है, इस तरीके से हमने और भी बहुत सारे ड्रामास में देखा है जिनमें हम डोमेस्टिक वायलेंस को या ये जो ज़बरदस्ती की शादियां और इस तरह की चीज़ें दिखा रहे होते हैं उनको इतना हम ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं कि आप जाके इंस्टाग्राम पे जो फ़ैन पेजेस बने होते हैं हमें लगता है यार ये एवं ही हैं, बट ये एक्चुअली लोग इनको चला रहे होते हैं और आप उनमें जो यंग माइंड्स होते हैं स्पेशली जो लड़कियाँ होती हैं वो इस तरीके से ग्लोरीफाई कर रही होती हैं कि ओ माय गॉड यू नो ये तो बहुत ही कोई परफेक्ट हीरो है और हमें भी ऐसा ही चाहिए. आप उनके दिमागों को लाइक किस तरीके से वो कर रहे हैं कि वो आइडियलाइज़ कर रहे हैं इस तरह के टॉक्सिक बिहेवियर को. सो अगेन
इन इश्यूज़ को ज़रूर दिखाना चाहिए बट किस तरीके से दिखाना चाहिए दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. और वहाँ पे आई थिंक प्रोड्यूसर्स को लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ये कि ये लूजली बेस्ड है या नहीं है दैट इज़ नॉट इन इशू. बट क्या वो इसके अंदर अगेन विक्टम ब्लेमिंग को कि इज्जत चली गई उसकी और ये सारे जो वर्डिंग्स हम सुनते आ रहे होते हैं जब हम किसी रेप सर्वाइवर की बात करते हैं कि क्या उसकी इज्जत गई है या जिसने किया है आपने उसको उसके साथ ये वर्ड्स यूज़ करने हैं. सो उस पर हम फोकस नहीं करते एंड दैट शुड बी द क्वेश्चन आई थिंक. जो सिर्फ कैमरा बैन कर देने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा हमें बिल्कुल. और इसमें एक और जिस एक्चुअल वर्ड से मुझे मसला, ये जो बस वर्ड शुरू हो गया ना अवेयरनेस, कोई भी आप रिस्की टॉपिक पे जिस तरह भी आप करें आप बीच में अवेयरनेस डाल देते हैं. इसमें मैं रिसर्च कर रहा था, बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग रिसर्च मिली. अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों की एक रिसर्च थी, उन्होंने किया ये कि उन्होंने कुछ मर्द हजरात को लिया, दो हफ्ते के अंदर उन्हें 5 मूवीज़ ऐसी दिखाई गई जो सेक्सुअली वायलेंट, जिसके अंदर मामलात थे ख़वातीन से रिलेटेड. और उनसे जो पहली मूवी थी और जो आखिरी मूवी थी, उन दोनों मूवीज़ को दिखाने के बाद उनसे इंटरव्यू लिया गया उनकी तासुरात जानने के लिए. और उन्होंने ये देखा कि पहली मूवी देखने के बाद लोगों का जो रिस्पांस था और जो आखिरी मूवी देखने के बाद रिस्पांस में ये चेंज आया कि जितनी ज़्यादा उन्होंने इस किस्म का कंटेंट देखा उनकी जो एंग्जाइटी थी या जो सिंपथीज थी विक्टिम्स के साथ वो सारी ख़त्म हो गई और वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया. तो वो उन्होंने एक्चुअली कोई जो वो बज़वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है ना अवेयरनेस, ये जो अवेयरनेस का वर्ड यूज़ किया जाता है वो एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव काफ़ी दफ़ा हो जाता है अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट ना करें. तो ये चीज़ है जिसके ऊपर गौर करना चाहिए प्रोड्यूसर्स को भी और मेरे ख्याल से ऑडियंस को भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी. और आई थिंक अभी जो रिसेंटली हम देखते हैं ना जब हम कंपेरिजन करते हैं कि आपको क्या वॉयलेंस एक्चुअली दिखाना है या सिर्फ आपने लोगों को बताना है. अब वो आई थिंक नेटफ्लिक्स में मूवी आई थी डार्लिंग्स जो आलिया भट्ट की थी, अगर आप उसमें देखें उसमें पूरा आपको वो डोमेस्टिक वॉयलेंस भी दिखता है बट आप अगर उस पूरी मूवी को देखें बहुत ट्रिगरिंग मूवी है. इट मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल जब वो हो रहा होता है लेकिन वो एक्चुअली में कहीं करता हुआ कुछ कहीं डोमेस्टिक वॉयलेंस नहीं दिखाया. हमारे ड्रामास में फिल्म्स में हर तरफ थप्पड़ पड़ रहे होते हैं चाहे वो आदमियों को पढ़ रहे हैं चाहे खवातीन को पढ़ रहे हैं, वो हम पूरा वॉयलेंस एक्चुअली में दिखा रहे होते हैं बट उसमें कोई एक थप्पड़ नहीं पड़ा. बट वो जो जिस तरीके से उन्होंने शूट की है पूरी मूवी, जो उसकी पूरी सिनेमेटोग्राफी है, जो उन्होंने म्यूज़िक पीछे ऐड किया, उससे आपका आपको समझ भी आ रही है क्या हो रहा है, आपको पता है गलत हो रहा है और वो आपको अनकंफर्टेबल भी कर रहा है. सो आई थिंक वहाँ पे हमें थोड़ा मेकर्स को देखना होता है कि हर चीज़ दिखानी नहीं होती है. कभी कभी आपको थोड़ी सिचुएशन इस तरह बनाते हैं कि लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि उन्हें समझ आ जाएगा क्या हो रहा है. इसी के साथ अगला हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स पार्कों के कुछ कंपेरिजन. हमने पिछले एपिसोड में कहा था लोगों से कि अगर वो चाहते हैं कि इसके ऊपर बात हो तो बता दें, उन्होंने बताया तो अब इसके ऊपर थोड़ा बहुत कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो आई थिंक ये कर लेते हैं कि एक्चुअल जो इनकी इसरो का ये पूरा मिशन था लूनर मिशन, और अब कह रहे हैं कि अब वो एक्सप्लोरेशन में और आगे जाना चाह रहे हैं, सन के ऊपर उनका कुछ मिशन कुछ भेजना चाह रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए. आयशा थोड़ा बहुत बताइए. आई थिंक 2nd या 3rd सितंबर को वो आदित्य L1 को लॉन्च करेंगे और उसकी भी खैर बहुत लंबी एक स्टोरी है, उसमें हम आते हैं. द मेन मिशन बिहाइंड आदित्य L1 इज़ के वो सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करें, तो जो सन की लेयर्स हैं उनमें से जो आउटर दो लेयर्स हैं उनको स्टडी करें और ऑन द होल स्पेस में क्लाइमेट किस तरह से चेंज होता है सन के पास वो पूरा स्टडी करें. सो दैट्स द आइडिया. जो अभी हमने चंद्रयान 3 की सक्सेस देखी, हमने उस पर जश्न देखा, हमने उस पर पाकिस्तानी रिएक्शन देखा और बहुत कुछ हमने और देखा. जो एसेंशली जो सिग्निफिकेंस है चंद्रयान 3 की वो ये थी कि इंडिया बिकेम द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून बट इट बिकेम द 1st कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल. और वो साउथ पोल एग्जैक्टली साउथ पोल पे नहीं लैंड किए, वो साउथ पोल से थोड़ा सा दूर किए पर क्लोजेस्ट टू द साउथ पोल, दे बिकम द 1st कंट्री. और जो मून का साउथ पोल है वो एसेंशली इसलिए इतना अनएक्सप्लोर्ड रहा है क्योंकि वहाँ पे जो है वो सन की लाइट नहीं जाती. सो बिकॉज इट्स फेसिंग अवे फ्रॉम द सन तो उसका यानी उसकी उस तरफ जो है वो फिर मिनरल्स और पॉसिबली वाटर डिपॉजिट्स भी हैं जिसको एक्सप्लोर करना. वहाँ पे जो प्रज्ञान है मेरे ख्याल से रोवर का नाम प्रज्ञान, वो जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है वहाँ पे और अभी एक्सप्लोरेशन पे निकला है अभी कुछ टाइम के लिए जो है वो बिकॉज द रोवर इटसेल्फ इज़ सोलर पावर्ड. तो आई थिंक कुछ दिनों बाद जो है वो पावर ऑफ हो जाएगा क्योंकि जो साउथ पोल है वहाँ पे सूरज नहीं आता. हाँ वहाँ पे सूरज आना बंद हो जाएगा, बिल्कुल डार्क में चला जाएगा.
तो अभी जो है उसके पास कुछ टाइम है जिसमें वो एक्सप्लोर कर सकता है. सो फार इट हैज़ फाउंड आई थिंक सल्फर डिपॉजिट्स ऑन द मून, और ये इसके पीछे की स्टोरी है. अच्छा आयशा, इसी में अगर आप एक चीज़ और बता दें कि अब थोड़ा बहुत स्टूडेंट स्पार्को की तरफ आ जाते हैं, स्पार्को की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताएं कि ये क्या किस तरह शुरू हुआ. सो पाकिस्तान का जो स्पार्को प्रोग्राम है वो 1961 में इस्टेब्लिश हुआ. डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे वो उसके फर्स्ट चेयरमैन थे, और उस टाइम पर अयूब खान का दौर चल रहा था. लेकिन इसको फंक्शनल जो है वो 64 में किया गया. और इसके पीछे एक बहुत मज़े की स्टोरी है कि 1960s में जो उस टाइम पर अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने अपने जो यूएस साइंटिस्ट उनको चैलेंज किया था कि उन्होंने जो है मून पे लैंडिंग करनी है, जो कि 69 में इवेंचुअली अपोलो मिशन अपोलो 1 जो था वो अमेरिका की तरफ से हुआ भी. लेकिन उस टाइम पे जब यूएस साइंटिस्ट जो थे जब उन्होंने 60s में इस पे काम करना शुरू किया तो उनको ये रियलाइज़ हुआ और उन्हें पता चला कि जो इंडियन ओशन का रीजन है वो बहुत उनके लिए एज अ ब्लैक होल है. बिकॉज उन्हें उस टाइम पे और ब्लैक होल नॉट लाइक लिटरली बट बेसिकली वहाँ पे डेटा कलेक्शन के लिए उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी, और वहाँ पे जो अपर एटमॉस्फेयर का क्या स्ट्रक्चर है और किस तरीके से उनके पास डिटेल्स मौजूद नहीं थी. एंड दे वांटेड टू स्टडी दैट, और ऑब्वियसली वो रीजन उनकी जगह से बिल्कुल हटकर है. तो उन्होंने इस टाइम पे जो यहाँ का रीजन है उसको बहुत ज़्यादा ऑफर्स की. यहाँ पे जितनी कंट्रीज़ हैं नासा ने उनको ऑफर्स की कि हम आपके साथ मिलके हम आपको सपोर्ट करेंगे, और यहाँ जो इस रीजन की कंट्रीज और उनके साइंटिस्ट को, और हम मिलके एक स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम जो है उसको इस्टेब्लिश करते हैं. एंड पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी को आई थिंक जो है पाकिस्तान वॉज द फर्स्ट कंट्री फ्रॉम द रीजन जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया. और इस फ़ायदा उठाने के पीछे भी एक मीटिंग है कि बेसिकली 61 में प्रेसिडेंट अयूब खान जो थे वो एक स्टेट विजिट पे थे और उनके साथ डॉक्टर अब्दुल सलाम भी मौजूद थे जब ये सारी बात हो रही थी कि जो नासा है वो जो इस रीजन की कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करने का इरादा रखता है, और उनको वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा और साइंटिफिकली भी उनको सपोर्ट करेगा नॉलेज वाइज भी, ताकि वो इस एरिया को स्टडी कर सकें और यहाँ से डेटा गैदर कर सकें. तो उस टाइम पे क्योंकि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम जो था वो इस्टेब्लिश तो हो चुका था लेकिन उस तरीके से उस पर काम करना अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, फंक्शनल नहीं हुआ था. तो उधर उस टाइम पे एक सीनियर इंजीनियर थे डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा साहब, उनको डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कॉल की और उन्होंने कहा कि आपने कल वॉशिंगटन पहुंचना है और यहाँ पे हमारी एक मीटिंग हो रही है और आपने इस मीटिंग का हिस्सा बनना है. और उनको फिर वहाँ पे बेसिकली उनकी नासा के साथ एक मीटिंग थी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो है वो एग्री किया कि वो डेटा कलेक्शन में हेल्प भी करेगा और अपना स्पेस प्रोग्राम जो है उसको भी फंक्शनल करेगा. और डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो ही वॉज़ द कहना चाहिए टीम लीडर जो रहे थे, जो पाकिस्तान ने पहला रॉकेट भेजा था स्पेस में उस टीम, वो पांच साइंटिस्ट की एक टीम थी एंड ही वॉज़ द वन लीडिंग इट. और बाद में उन्होंने पाकिस्तान आए, डॉक्टर अब्दुल सलाम की हेल्प से उन्होंने एक टीम इस्टेब्लिश की, और फिर 62 में पाकिस्तान ने अपना पहला रॉकेट जो है वो स्पेस में लॉन्च किया रेबर 1 के नाम से. और वहाँ से पाकिस्तान की कहना चाहिए स्पार्को फंक्शनल हुआ, किस तरीके से पाकिस्तान की स्पेस एक्सप्लोरेशन की जर्नी स्टार्ट हुई. और वो भी एक बड़े मज़े की स्टोरी है. हमने आई थिंक 2 साल पहले जो है एक इंटरव्यू किया था डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा साहब के साथ जिन्होंने पाकिस्तान का पहला रॉकेट जो है वो लॉन्च किया था, और उन्होंने बड़ी स्टोरी सुनाई थी कि किस तरीके से उनको डॉक्टर अब्दुल सलाम और अयूब खान ने वॉशिंगटन बुलाया, मीटिंग हुई, और क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे तो किस तरीके से उनको जो जितने भी सारी इक्विपमेंट होती थी जितनी चीज़ें होती थी वो किस तरीके से पाकिस्तान पहुँचाई जाती थी. और उन्होंने उनके पास बहुत कम टाइम दिया गया था उनको ये पूरा जो रॉकेट लॉन्च करने के लिए, क्योंकि उस वक्त स्पेस में जो अपर एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा था विद टाइम. तो उनके पास एक बहुत कम ब्रैकेट था कि उनमें उसमें काम करना था, और उन्होंने रॉकेट को लॉन्च किया 7 जून को 62 में उन्होंने ये कामयाबी से किया, और उसके बाद रेबर 2 भी गया. तो ये पाकिस्तान के स्पेस एक्सप्लोरेशन की स्टार्ट था, और पाकिस्तान आई थिंक थर्ड स्टेट था, एशियन स्टेट था जिसने स्पेस में अपना रॉकेट भेजा था. और वहाँ पे क्योंकि उस टाइम पे यूएस की असिस्टेंस भी शामिल थी, डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे वो चेयरमैन थे, तो इस वक्त स्पार्को अपनी एक कहना चाहिए पीक पे था, ग्लोरी पे था. लेकिन फिर आफ्टर 72 से 90 और इस सब के दरमियान हमने देखा कि वो जो एक स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन उसके बाद हमने देखा कि
पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन आई, पाकिस्तान जो है वो दो जंगों से गुजरा 65 की फिर 71 में, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अलहदा हो जाता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हमने दौर देखे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ आपके इकोनॉमिक चैलेंजेस भी आते हैं, तो वहाँ पर जो है स्पार्को की जो वो एक कहना चाहिए पीक टाइम था वो कहना ख़त्म हुआ, और बहुत सारे मिशंस उसके दौरान भी हुए जिनमें कुछ कामयाब हुए कुछ अनसक्सेसफुल रहे। अभी रिसेंटली तो नहीं लेकिन जुलाई 2011 में पाकिस्तान ने जो है एक नेशनल कमांड अथॉरिटी से अपना स्पेस प्रोग्राम विजन 2040 जो है वो अप्रूव कराया, और उसके अंदर अगेन हम फिर से देखते हैं कि दोबारा से हमने इकोनॉमिक जो चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है, और इसके अंदर एक और चीज़ है कि जो ऑल्दो स्पार्को ने 5 यूएन ट्रीटीज़ तो साइन की हुई हैं लेकिन अभी तक उनकी लेजिस्लेशंस जो हैं वो पास नहीं हुई, और अभी तक स्पार्को के पास वो कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर वो लीगल मैंडेट नहीं है कि वो रेगुलेट कर सके स्पेस प्रोग्राम को, वो स्पेस लॉ का अभी तक हिस्सा नहीं बन पाया है। सो यहाँ भी कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से स्पार्को शायद वो सब कुछ नहीं कर पा रहा जो उसने बहुत स्टार्ट में 60s 70s में एक पीक टाइम देखा था। अच्छा, इसी में थोड़ा बहुत काफ़ी सारा आपने आई थिंक कवर कर लिया, थोड़े अगर माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर जाया जाए इस और स्पार्को का, आई थिंक एक बड़ा फ़र्क ये था कि इनिशियली तो हमने देखा हम जो सक्सेसफुल रहे स्पार्को के साथ वो ये था कि जो पाकिस्तान के जीनियसेस थे जो ओवरसीज़ थे वो पाकिस्तान आए काम करने के लिए, लेकिन ओवर द ईयर्स हमने देखा कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे जो एक्सपर्ट्स थे वो पाकिस्तान से बाहर जाना शुरू हो गया, तो हमारा जो जहाँ इंडिया टैलेंट इंपोर्ट कर रहा था हम बेसिकली एक्सपोर्ट कर रहे थे, काफ़ी सारे लोग अपनी मर्ज़ी से जा रहे थे, और ख़ुद फिर हमने डॉक्टर अब्दुल सलाम का भी देखा कि कुछ लोगों के लिए हमने वो इतना मसले खड़े कर दिए कि उन्हें फिर मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, तो टैलेंट का एक बड़ा मसला आ गया पाकिस्तान के अंदर। उसी के साथ साथ एक और चीज़ जिसके ऊपर बात होती है लेकिन सही एंगल से लोग नहीं कर रहे कि जब ये इसरो का भी जब मिशन हुआ तो लोगों ने वो पिक्चर अपलोड करना शुरू कर दी जो हम बड़े अरसे से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पिछले 3-4 जो स्पार्को के हेड्स हैं और इसरो के और हमारे ऑब्वियसली वो मेजर जनरल फलां और वो सारा वो पूरी एक फहरिस्त चली जा रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आपने क्योंकि फ़ौजियों को वहाँ पर एक ऐसी जगह पर बिठा दिया जहाँ पर सिविलियंस को होना चाहिए और ये सारा वो क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है। आई थिंक एक डीपर इशू है इससे, मेरी डॉक्टर सुल्तान साहब से आदिल सुल्तान साहब से बात हुई थी, उसका भी लिंक लगा देंगे, वो भी बड़ी एक डिटेल के अंदर सारी डिस्कशन थी लेकिन उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल आया था कि जो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन होती है ये कोई भी स्टेट अपने आप से नहीं करता, इसमें कोलैबोरेशंस कहीं ना कहीं आपको पूरी दुनिया में करनी पड़ती हैं। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान का जो यूजेज है वो ज़्यादा मिलिट्री के साइड पर है, हम स्पार्को को या स्पेस एक्सप्लोरेशन को भी उसी एंगल से देखते हैं, जिसकी वजह से जो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ बिजनेस करते हुए डरती हैं क्योंकि उनका एक अपने एथिक्स हैं, वो नहीं चाहते कि वो इस किसी ऐसी चीज़ के अंदर शामिल हों जो उनके लिए एक पीआर डिज़ास्टर बन सकता है, आगे जाके कोई भी मसाइल हो सकते हैं। और इसमें हाँ कहा जा सकता है कि जब आप जो चेयरमैन है वो ख़ास मिलिट्री बैकग्राउंड से लगाएंगे तो उनकी जो आइडियाज़ होंगे आइडियोलॉजीज़ होंगी वो सिमिलर होंगी अपने प्रोफेशन के हिसाब से, तो ये एक बड़ा मसला हुआ है। एक और चीज़ जो हमने देखी जिसके बारे में बात करनी चाहिए शायद प्रायोरिटीज़ का भी मसला था, जो इसरो का बजट है वो 1.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, और अगर आप एट द सेम टाइम स्पार्को का देखें तो उनका एनुअल बजट 20 मिलियन डॉलर समथिंग था, तो मतलब 10 गुना से भी ज़्यादा उनका बजट है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा अचीव कर सकते हैं इसके अंदर। और इसी में कुछ चीज़ें जो मैं मेंशन करना चाह रहा था, आयशा ने भी मेंशन की कि अब अगर हम ये देख लें कि हम मिलिट्री साइड पर इतना क्यों गए तो वही यही था 1965 की वॉर, उसके बाद फिर फॉल ऑफ ढाका, और जो इस किस्म के मामला चलते रहे तो पाकिस्तान को सबसे पहले चूज़ करना पड़ गया कि क्या अपनी सालमियत को बचाना है या अपने स्पेस को एक्सप्लोर करना है, तो आई थिंक वो एक बड़ी ऑब्वियस चॉइस थी कि पाकिस्तान है तो उसके बाद फिर हम आगे जाके कुछ देखेंगे। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा ज़्यादा उसके ऊपर बजट ज़्यादा गया, हमारे एक्सपर्ट ज़्यादा न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ गए, स्पेस को इसलिए थोड़ा बहुत वो अटेंशन नहीं मिल पाई जो मिल सकती थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत इस पर काम करना चाहिए। और हम अगर देखते हैं 60s में जिस तरह मैंने जिक्र भी किया कि उस टाइम पे आपको क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट बहुत था बिकॉज उन्हें ये इंडियन
ओशन रीजन को पूरा स्टडी करना था एंड दे नीडेड सम असिस्टेंस, तो ऑब्वियसली उनका अपना एक पर्सनल बेनिफिट भी था और आपको फिर फाइनेंशियल हेल्प भी मिली। और जब मेरे डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा साहब से भी बात हुई तो उन्होंने यही कहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो थी, जो फाइनेंसिस को लेकर थी, जो इक्विपमेंट को लेकर थी, जो चीज़ों को लेकर थी, वो ऑन पेपर तो आई नहीं ना, वो बस आपको प्रोवाइड कर दी गई। वो किस तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होती हैं, वो किस तरीके से यूज़ की जाती हैं फॉर द प्रोग्राम, सो वो ऑब्वियसली आपको एक बहुत बड़ी सपोर्ट मौजूद थी क्योंकि उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट उस टाइम पर इस एरिया, इस रीजन को स्टडी करने का था और उनको एक्सेस चाहिए थी जो कि ऑब्वियसली इधर ही किसी कंट्री से मिल सकती थी। और ऑब्वियसली पाकिस्तान ने उस टाइम पर इसको अपने बेनिफिट में यूज़ किया। लेकिन एक और भी मसला है कि हम लोगों का एकेडीमिया, रिसर्च और प्रैक्टिकल बहुत जो कि इंटरलिंक्ड होने चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। आपका एकेडीमिया एक साइड पर है, आपकी रिसर्च बिल्कुल अलग चल रही है और आपका जो प्रैक्टिकल है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब हम लोग अपनी न्यूक्लियर सीरीज़ पे भी काम कर रहे थे और उस पे भी जब मेरी कुछ साइंटिस्ट से बात हुई जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक बहुत अहम हिस्सा रहे थे, तो उन्होंने यही कहा था कि क्योंकि हम लोग, जिनमें मेरी एक साहब से बात हुई डॉक्टर ज़फ़र कुरैशी नाम है उनका, और वो न्यूक्लियर इंजीनियर रहे, उन्होंने कहा मेरा बीएस, एमएस, पीएचडी सब बाहर का, सब न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में, मैं प्रैक्टिकल फील्ड का बंदा हूँ और मैंने एक अहम रोल जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में, और उसके अलावा भी न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एक बम बनाने की हद तक नहीं होता, आप न्यूक्लियर एनर्जी के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप यूज़ कर सकते हैं और जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं साइंटिफिकली। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सब करने वाला शख्स हूँ और मेरी तरह और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो ये सब कुछ कर सकते हैं, जिनके अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है, इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज और बजट में रह के भी हम सब कुछ कर सकते हैं, बट हमें फोर्स किया गया है कि हम वो ना कर पाएँ बिकॉज हमने वो देखा 2004 में किस तरीके से एक कन्फेशन सामने आती है और उसके बाद आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है। तो उन्होंने कहा कि हमें क्योंकि इस तरीके से फोर्स कर दिया जाता है कि अब मैं पिछले 10-15 सालों से जो हैं वो एकेडीमिया में हैं, वो इस वक्त पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, ही इज़ अ डीन, बट उन्होंने कहा कि मैं ये सब कुछ, मेरा काम प्रैक्टिकल साइड पर है। तो हमने फिर अपने जो साइंटिस्ट की कहना चाहिए नाकदरी भी की है कि जो लिमिटेड बजट में पहले करके आपको सारी चीज़ें दे भी रहे थे, बट वहाँ कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिक्स भी आ जाती है और कहीं ना कहीं फिर आपकी ग्लोबली जो चल रहा होता है उस सबके इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, तो वो हम फिर हमारी प्रायोरिटीज़ कहीं और चली जाती हैं। अच्छा, ये तो थी हमारी जो मेजर न्यूज़ स्टोरीज़ थी, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ भी मेरे ख्याल से हमें इंक्लूड करनी चाहिए। तो जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो अमेरिका के अंदर आप जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनकी आप देख रहे हैं कि किस तरह इंडाइटमेंट हुई पहले और अब अरेस्ट का भी कहा जा रहा है, फिर उसके बाद अफ्रीका के ऊपर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आयशा ज़रा ये बताएं कि ये ट्रंप साहब के साथ हो क्या रहा है। ट्रंप साहब के साथ सरप्राइजिंगली वही हो रहा है जो इमरान खान के साथ हो रहा है, उनको बहुत सारे केसेस में फंसा दिया गया है और अभी रिसेंटली जो है वो उनको टेम्परिंग इन द इलेक्शंस, रैकेटियरिंग के उसमें जुर्म में जो है वो जेल ले जाया गया था, जिसकी फिर एक मगशॉट आई। उसके अलावा जो उन पे केसेस हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि दो तीन जो हैं वो फ्रॉड के हैं। एक उनका डेफेमेशन का केस है जो जीन कैरल के अगेंस्ट चल रहा है, एक उनका हश मनी वाला ट्रायल चलेगा जो स्टॉर्मी डैनियल्स के अगेंस्ट है, जनवरी 6 वाला वाकया है जो उनके ख़िलाफ़ है, और जो उनके मार-ए-लागो वाली रेजिडेंस से बहुत सारी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स एफबीआई को मिली हैं अपनी रेड में, उसके केसेस हैं। तो उनको फ़िलहाल बहुत फ़िलहाल तो वो बेल पे हैं जॉर्जिया वाले केस में, पर अभी बाकी ट्रायल्स जो हैं वो 2024 का उनकी साथ साथ जो है वो उनकी प्रेसिडेंशियल कैंपेन भी चल रही है और उसके साथ साथ जो है वो उनके ट्रायल्स भी चल रहे हैं, सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पॉलिटिकली वैसे चार्ज्ड ईयर। आपने इमरान खान वाला मेंशन किया, ये बड़ा एक सिमिलर केस है जो हमारा लागू वाला है, और जो ऑफिशियल जो सीक्रेट फाइल्स थी उन्होंने अपने पास किस तरह रखी और वो सारा केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। सवाल ये बनता है कि अगर इमरान खान को अमरीका ने हटाया है तो अमेरिका में कौन किसे हटा रहा है? वैसे इसमें मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाह रहा था, इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपने मगशॉट की बात की, एक बड़ा इंटेलिजेंट डिसीजन था उनके पीआर जो भी हैंडल करा उसकी तरफ से कि उनकी मगशॉट को, वो ट्विटर पे बेसिकली सस्पेंडेड थे कैपिटल राइट्स के बाद से, और उन्होंने आके उनकी जो पहली ट्वीट थी वो ही वो मगशॉट थी, और बेसिकली उन्होंने प्रीएम्प्टिवली जो एक्चुअली में उनके खिलाफ इस्तेमाल होना था कि ये क्रिमिनल है इसकी मगशॉट वो, लेकिन उन्होंने खुद जब अपने सोशल मीडिया पे ओन कर लिया उसे तो वो उनके कैंपेन का साइन बन चुका है एक तरह से। और अभी तक अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट आई थिंक 255 मिलियन लोगों से ज़्यादा लोगों ने
ट्विटर के ऊपर वो पिक्चर देख लिया जो कि एक बहुत बड़ा एक नंबर है। इसी के साथ उन्होंने टेक्स्ट बड़ा वो जिस तरह हमारा वो इमरान खान की आपने बात की वो एब्सोल्युटली नॉट वाला था, तो उनका है नेवर सरेंडर, तो उनका भी एक बड़ा वो भी साथ साथ ही चल रहे सारा मामला लेके। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और देखी गई कि एक तो पिक्चर आवाम के लिए निकाली गई और साथ ही साथ किस तरह मर्चेंडाइज में उस मगशॉट को इस्तेमाल किया गया। अपने अरेस्ट होने के कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उन्होंने $7 मिलियन रेज किए हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, इन $7 मिलियन में जो ऑलमोस्ट $4 मिलियन और उससे भी थोड़े से ज़्यादा हैं उन्होंने एक दिन में रेस किए, जो कि उनकी हिस्ट्री का हाईएस्ट फंड रेजिंग थी। तो वो नज़र आ रहा है कि किस तरह वो प्ले आउट कर रहा है उनके हक में। मेरे ख्याल से वो ये मनी जो है वो अपनी ये पैसे जो हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन की तरफ लगाने का उन्होंने फ़िलहाल इरादा किया हुआ है। लेकिन उनकी अभी ट्रंप की एक और जो कंसर्न चल रही है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो जॉर्जिया वाले केस में उनके साथ मुलव्वस हैं उनको जो है वो लॉट ऑफ देम डोंट हैव द फंड्स टू फाइट दीज केसेस, तो ये केसेस किस तरह से चलेंगे। बहरहाल देखते हैं क्या पता वो ये पैसा उनको देने का फैसला कर लें। इसी के साथ अफ्रीका की तरफ चलते हैं। जिस तरह मैंने शुरू में भी मेंशन किया था, हम देख रहे हैं किस तरह गबोन में और उससे पहले नाइजर के अंदर मिलिट्री टेक ओवर्स हो रहे थे, और ये अब हम देख रहे हैं। वैसे तो अफ्रीका का शुरू से ही थोड़ा बहुत मसला आ रहा है मिलिट्री इंटरफेरेंस का, लेकिन हम दोबारा से एक राइज देख रहे हैं मिलिट्री डिक्टेटर्स का, और इसके पीछे का सारा कॉन्टेक्चुअल अगर आप थोड़ा आयशा बता सकें कि वजूहात क्या हैं। सो गबोन में अभी रिसेंटली जो है एक मिलिट्री टेक ओवर हुआ है जिसमें उनके प्रेसिडेंट अली बोंगो जो थे वो 2009 से प्रेसिडेंट रहे हैं, और अभी उनके जो रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं उसमें अगेन उनको लोगों ने जो है वो वोट दिया और वो दोबारा से पावर में आ रहे थे। और उनके जो फादर हैं वो ही कम्स फ्रॉम अ पोलिटिकल फैमिली, उनके फादर जो हैं वो उनसे पहले 41 ईयर्स तक जो हैं वो रूल कर चुके हैं। लेकिन जो उधर की आर्मी है उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया इलेक्शंस के रिजल्ट को, और एक मिलिट्री टेक ओवर या कूप जिसको आप कहते हैं वो हुआ। एंड देन जो गबोन में है इस वक्त प्रेसिडेंट साहब को जो है इस वक्त वो घर भेज दिया गया। हाँ, घर भेज दिया गया, और आई थिंक वो इस वक्त हाउस अरेस्ट में चल रहे। सो अभी हमने इससे पहले नाइजर में ये चीज़ देखी थी कि वहाँ पे भी मिलिट्री टेक ओवर हुआ। तो अगर हम अफ्रीका की थोड़ी सी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, तो 1960 से आई थिंक 2000 तक एक अल जज़ीरा की रिपोर्ट है कि 1960 से अगर 2000 तक आप कैलकुलेट करते हैं तो ऑन एवरेज 4 से 5 मिलिट्री टेक ओवर्स होते रहे हैं हर साल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। और फिर ऑब्वियसली इन कंट्रीज़ की अगर आप एक कॉलोनियल हिस्ट्री तो मौजूद ही है हमारे सामने, वेस्ट का इन्फ्लुएंस भी मौजूद है। और गबोन में अगर देखें तो इट्स एन ऑयल रिच कंट्री, तो यहाँ से आपके पास ये चीज़ है। नाइजर में आपके पास यूरेनियम जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ओवरऑल जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं चाहे यूरेनियम हो गया और मिनरल्स हो गए ऑयल हो गया, ये इन ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। एंड ऑब्वियसली वेस्टर्न जो इंटरेस्ट है वो इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर है। सो 2013 में हमने देखा था कि इजिप्ट में जब मोहम्मद मुर्सी जो उनके इलेक्टेड लीडर थे उनको किस तरीके से घर भेजा गया, और जो एक वेस्टर्न कहना चाहिए इन्फ्लुएंस्ड या जो वेस्टर्न सपोर्टेड उनके उस टाइम के जनरल सीसी थे वो अभी तक पावर में हैं, और मुर्सी मोहम्मद मुर्सी की किस तरीके से डेथ होती है। आई थिंक कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान 2018 में उनको एक हार्ट अटैक आता है और उसमें उनकी डेथ होती है। सो वैसे तो हमने देखा है कि कितना भी हमारा वेस्ट है चाहे वो US है चाहे फ्रांस है वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे होते हैं, बट अगेन वो डेमोक्रेसी शायद वहीं तक होती है जहाँ तक उनकी इंटरेस्ट होता है। एक और भी जो हमने देखा है, जिस तरह हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे अफ्रीका में और उनके डिफरेंट कंट्रीज़ में किस तरीके से जो उनकी पोलिटिकल लीडरशिप होती है वो किस तरीके से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से उनके भी करप्शन केसेस उसी तरह हैं जिस तरह हम पाकिस्तान में सुन रहे होते हैं, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा मिलिट्री टेक ओवर्स जो हैं उनको काउंटर करने के लिए भी किए जा रहे हैं। अब वो किस हद तक फ़ायदेमंद हैं फॉर अफ्रीका, और ये थोड़ी सी चीज़ हमारी एक्सप्लोर करने की है कि कितना वो उन कंट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद हो रहे हैं, और कितना क्या ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से वो फाइनली निकल सकते हैं और एक्चुअली वो प्रोग्रेशन की तरफ जा सकते हैं या फिर नहीं, तो ये चीज़ें शायद हमें आने वाले हफ्तों में पता चलेंगे। सही, बहुत शुक्रिया आयशा, आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने टाइम निकाला। और ये थी हमारी डायरेक्टेड न्यूज़ की एपिसोड।
कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका वीक कैसा गुजरा और नेक्स्ट वीक डायरेक्टरेट न्यूज़ के एपिसोड में कौन सी ऐसी न्यूज़ स्टोरीज हैं जो आप चाहते हैं हम कवर करें। इसके साथ एक और चीज़, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम कुछ लिंक्स मेंशन कर देंगे। थ्रू आउट द वीडियो हमने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ की बात की है जिसमें हमने कुछ मैटर्स को डिटेल में उसे सारा डिसाइफर किया है, एक्सप्लेन किया है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू हो, चाहे वो स्पार्को की हिस्ट्री हो। तो वो सारे जो रेलिवेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.